मैं 2012 से गवर्नमेंट डॉक्टर हूं और यहां आपके पास में ही चाकसू है, यहीं पे पोस्टेड हूं और काफी सालों से मैं अपने कपिल जी के साथ में जुड़ा हुआ हूं आपके मोदी केयर से। शुरुआती समय से मैं इनके साथ में टच में रहा था और मेरा भी माइंड था कि कहीं ना कहीं हम भी कभी बिजनेस लाइन में जाएं, बिजनेस के तरीके से अपनी लाइफ को ग्रो करें या फिर कुछ भी करके जिंदगी में कुछ नया करें। अब देखते ही देखते क्या है कि कपिल जी अपनी दौड़ में लगते रहे और बहुत अच्छी मेहनत करके और आज उन्होंने जो मुकाम हासिल करा है राजस्थान और भारत लेवल पर, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आज मुझे भी यहाँ पे बुलाया, उसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, साथ में अनीता मैडम को, कि इन दोनों का इसने मेरे ऊपर शुरू से ही रहा है। मैं जब कभी भी आपके इवेंट कहीं पे भी होते हैं, मेरी कोशिश ये रहती कि मैं आऊं, क्योंकि मैं खुद भी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स वगैरह यूज में लेता हूं। मार्केट के अंदर लक्स साबुन आता है, रेक्सोना आता है, मान लो और कहीं डव साबुन आता है, बहुत सारे होते हैं, तो साबुन यूज करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब इनका प्रेजेंटेशन देखा और वो चीजें मैंने देखी और बाद में लगातार मैंने यूज करी, घर वालों को भी दिखाई, सब तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें लगी और मैं जब से जुड़ गया, फिर धीरे धीरे हेल्थ के प्रोडक्ट्स आए, तो हेल्थ के प्रोडक्ट्स जब मैं खुद यूज में लेने लगा तो वो मुझे बेहद ही मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मार्केट में हम लोग भी जो दवा गोली वगैरह जो बाहर से लेते हैं तो हमको भी पता नहीं रहती कहाँ बन रही है, क्या उसमें कंटेंट्स है ना, बहुत सारे तरीके से कई बार उनमें आती है कि फर्जी रिपोर्ट्स भी बन के आ जाती है ना, तो ये सारी चीजें देखी तो अल्टीमेटली जो मैं खुद बाद में मैंने यूज किया तो मैं एक विश्वास जो होता है कि एक कंपनी को देख के मार्केट में बहुत सारी चीजें, आज मैं खुद भी अभी बात चल रही थी बाहर में इनका, मेरे पास भी वो मल्टीविटामिन का अपना जो वेल का जो अपना पूरा एक उसमें सेट है, तो मेरी गाड़ी में रहता है समय, तो जैसे कई बार होता है कि बिजी शेड्यूल होने के कारण हम सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते कभी टाइम पे, मान लो कुछ भी हम लंच नहीं कर पाए, कहीं डिनर नहीं कर पाए, तो हम क्या करते हैं उस समय पे एक वो रहती है टेबलेट, एक सुबह खाली एक शाम को खाली, है ना, तो उससे क्या है कि बॉडी में एक एनर्जी लेवल बना रहता है, क्योंकि दिन भर हम लोगों को भी अपने पेशेंट्स के साथ में रहना पड़ता है। अब बात थोड़ी सी दूसरी ओर लेके जाता हूँ, पेशेंट होता अपने में से ही है कोई ना कोई, तो वो क्या होता है पर्टिकुलर उस चीज के लिए उसके पास एक नेगेटिव एनर्जी लेवल हो चुका होता है, तो हम दिन भर हम मरीजों के बीच में रहते हैं, कई मरीज ऐसे खुशनुमा मरीज मुझे बहुत कम ही मिले हैं जो बिल्कुल खुश आते हैं और कि और सर कैसे हो आप, कैसे हो आपका स्वास्थ्य कैसे है, कभी किसी ने नहीं पूछा है ना, रेयरली आते हैं जो केवल हाल चाल पूछने आते हैं, बाकी पेशेंट बन जाता है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, तो वो क्या एक उदास मुरझाया हुआ चेहरा सा लेके आता है, तो हम लोग भी क्या कि ऐसे नेगेटिव एटमोसफियर में चारों ओर से घिरे रहते हैं, दिन भर वही रहता है, तो उसमें से खुद को मेंटेन करके रखना वो एक बहुत बड़ा लाइफ के अंदर चैलेंजिंग चीज होता है। तो मैंने बचपन से ही इन सब चीजों की और वो रहता था कि भाई हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए, आदमी को इंटरनली फिट होना बहुत जरूरी है, और ये सारी चीजें आपको जाती है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, किन के बीच में रहते हैं, क्या आपके विचार चल रहे हैं, कैसा है, ये सारी चीजें अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक इंसान और एक पर्सनैलिटी के तौर पे खड़ा करती है। आप सब लोग अभी जानते हैं कि चारों ओर अपने शहरीकरण जिस तरीके से तेजी से चल रहा है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, तो लोगों के पास में खाने पीने का टाइम भी नहीं बचा, एक वो समय चल रहा है। दूसरा कि आज बहुत सारे लोग यहाँ किसान के बेटे भी होंगे, खुद भी किसान में रहे होंगे, है ना, तो अपने खेती बाड़ी कम होती जा रही है धीरे धीरे, है ना, तो आपका प्रोडक्शन तो कम हो रहा है और इधर खपत बढ़ती जा रही है, तो अब उसको कैसे मेंटेन करें कि खाद डालो, है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल डालो, फिर वो चीज फसल तैयार हो रही है। तो आज जो आप खाने में जो भी खाते हो, मान लो आप गेहूं का आटा खाते हो, बाजरा खाते हो, एक्स वाई जेड, तो किसान लोग 50% ऐसे कर रहे हैं उनमें केमिकल्स डाल के, यूरिया वगैरह और अदर कई प्रकार के जो खाद होते हैं जो केमिकल्स से है ना, वो सब चीज डाल के खा रहे हैं, तो हम खा क्या रहे हैं आपको पता है। दूसरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक एडल्ट्रेशन नाम का भी एक वर्ड निकला हुआ है, उसमें क्या करते हैं कि कई लोग जैसे आप परचूनी की दुकान पे गए, मिलावट आ गई, हल्दी के अंदर कुछ मिला दिया, आपके मिर्ची में मिला दिया, तो आपके चारों तरफ आप खा क्या रहे हो वो आप देखो, आप चारों तरफ मिलावट भरी चीजें खा रहे हो। मैं यूं नहीं कहता कि आपका दूध भी होता होगा सुबह, जो सभी मिल्क लेते हैं बच्चों को पिलाते हैं सुबह का शाम का, उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट आती है। आजकल तो फास्ट फूड का जमाना चल रहा है, ज्यादातर लोग फास्ट फूड खा के और चलो वे चलते हैं, तो सेहत आपकी खराब हो रही है दिन प्रतिदिन। तो बात यह है कि अपने आप को कैसे मैनेज करना है, कैसे एनर्जेटिक रहना है, एनर्जी भी चलो कोई बात नहीं एनर्जी नहीं है, लेकिन आदमी को हेल्दी तो रहना है ना,
कौन से यहाँ पर बैठे कितने जो लोग हैं ये बताओ कि कोई हेल्दी नहीं रहना चाहता हो, सभी चाहते होंगे, एग्री? हाँ, तो आपको अब हेल्दी रहना कैसे है? दो तरीके से, एक तो ये आपकी बॉडी है, दूसरा आपका ब्रेन है। ज्यादातर लोग ब्रेन ठीक रहता है उसका तो 99% उसका फिजिक भी ठीक ही रहता है, इंटरनली ठीक रहता है वो हर समय, उसकी बॉडी हर तरीके से मैनेज रहती है। अब आप ब्रेन के लिए क्या करते हो, क्या पोषण लेते हो, क्या नहीं लेते, ये आपको पता। लेकिन अगर आप जो दिनचर्या के अंदर जो घर का रोटी सब्जी खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, है ना, उसके साथ में अगर कोई सप्लीमेंट ऐसा ले लो जो आपके ब्रेन को एक्टिवेट रखे, आपके नर्व फाइबर्स को बहुत ही एक्टिवेट रखे, है ना, तो वो चीज ध्यान रखना। और अभी दिन प्रतिदिन की भाग दौड़ की लाइफ के अंदर धीरे धीरे अटैक्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अभी हमारी ओपीडीज में कई बार आते 20-22 साल के बच्चे हैं, 25 साल के, 30 साल के, इनको चेस्ट पेन करके आता है, बाद में उनकी डिजीज भी निकलती, कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी हाई रहता है। तो ये सारी चीजें इतनी कम उम्र के अंदर हो रही, तो कहीं ना कहीं अपना खाना पीना ये सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो अपने को कहीं ना कहीं इसका भी केयर करना का बहुत जरूरी है कि आपके बॉडी के अंदर इस तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होए। तो आप सप्लीमेंट्स के तौर पे कुछ ना कुछ अगर नहीं लोगे ना, तो जीवन अभी बहुत लंबा है सबको, एक कम से कम 70 साल तक की उम्र तक का तो एक मैं मान के चलता हूँ कि इतना एवरेज तो रखना ही है अपने को, और वो भी फिट तरीके से। ऐसे नहीं डॉक्टरों के घर पे जा रहे हैं, क्लिनिक पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, दवाइयां खा खा करके दिन गुजार रहे हैं, वो वाला नहीं। बिल्कुल रहो, अपना अच्छा खाना खाओ, साथ में कुछ एक ऐसी चीज ले, जिससे आपकी बॉडी में हर समय एनर्जी बनी रहे। तो सबसे मेन चीज जो है आपके हार्ट के हेल्दी रखने के लिए, अपने पास में कार्डियो एक्टिव नाम से अपना खुद का प्रोडक्ट है, ये आप आराम से यूज में ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास में मल्टी विटामिन है। और अभी देखो ज्यादातर लोग आजकल धूप के अंदर नहीं बैठते होंगे, बैठते कितने लोग आज धूप में बैठते? पहले तो एक जमाना था कि लोग सुबह उठ के बाहर बैठते थे, चाय पानी करना, ब्रेकफास्ट करना, धूप में बैठते थे, तो विटामिन डी की कमी नहीं होती थी अपने में, है ना। आज विटामिन डी की कमी के आप में से 50% लोग हैं जो सुबह उठते समय वो कहते होंगे यार मेरे तो हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, जॉइंट पेन कर रहा है, बॉडी एक हो रहा है ना। तो ये सब क्यों, हम सनलाइट को, हम नेचर को छोड़ चुके हैं एक्चुअली में। हम एसी के कमरों में रहते हैं, फिर एसी की गाड़ियों में रहते हैं, फिर एसी के कमरों में, फिर आगे अपने जॉब के लिए चले जाते हैं, तो कुछ भी नहीं है हमारे पास सनलाइट का। तो इस चीज के लिए भी अपने पास में विटामिन D3 का खुद का प्रोडक्ट है, और मैं खुद भी अभी मैंने भी चेकअप कराया था, हूं मैं भी डॉक्टर, लेकिन सनलाइट मुझे भी नहीं मिलती क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल रहता है, सुबह से शाम, शाम से सुबह, एक दौड़ भाग की जिंदगी हो गई। तो फिर जब चेक कराया तो विटामिन डी कम निकला, तो अपने पास मैंने कपिल जी का यार ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने दे दिया बकायदा ये ले जाओ। तो मैं अभी खुद भी देखो मैं ना बिल्कुल घर जैसी ही बात करूंगा, क्योंकि हम जो क्योंकि आप सब मेरे हो और मैं सब आपका, है ना, ऐसा घर जैसा रहना चाहिए बिल्कुल। तो कपिल जी ने वो दी और मैं मार्केट से और भी ले सकता था, मेरे पास MR भी है, लेकिन एक भरोसा होता है ना, एक विश्वास होता है, क्योंकि वो खुद भी ले रहे थे काफी टाइम से, तो मैंने भी वही प्रीफर करा और मैं फिर रेगुलर लेता रहा, और उसके बाद में मेरे भी सब नॉर्मल हो गया, बाद में विटामिन डी ओके हो गया, अपना मल्टीविटामिन में ले रहा हूं, है ना। इसके अलावा और अपने हैं जैसे घर के अंदर बच्चों के लिए है, बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, अभी दूध वूध पीते हैं, तो उसके अंदर प्रोटीन पाउडर डाल के अपने देने का है, तो वो भी अपने पास में है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मोदी केयर के अंदर, जो उनके हेल्थ सेक्टर के अंदर, हेल्थ वाली रेंज में ना हो, आपके लीवर से लेकर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह XYZ किसी भी चीज को मैनेज करना हो, आपके Omega-3 फैटी एसिड्स भी है, तो आप किसी भी चीज को अपने दिनचर्या के अंदर शामिल करके और अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया कर सकते हो। इस चीज के लिए मैं अपने मतलब पर्सनल मेरा ये अनुभव है, मैं खुद यूज करता हूँ, इसी चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज है हेल्थ आपका है, बॉडी आपकी है, मैनेज इसको आपको करना है, आपको ही ताकत लगानी है। आपका घर के अंदर हो सकता है कि जैसे भाई लोग हैं उनके घर के अंदर भाभी है ना, तो वो उनको खाने पीने को दे सकती है, लेकिन खाना तो खुद को ही पड़ेगा ना। तो जैसे लास्ट तक है आपको अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक जाना है, मान लो एक सफर है ये जिंदगी का, है ना। तो इसके जो जिंदगी का सफर है इसके अंदर ये बॉडी अगर मेंटेन रहेगी तब आपकी वैल्यू है। जैसे आज मिस्टर कपिल वर्मा है, तो इनकी वैल्यू जब तक है जब तक इनकी बॉडी फिट है। जिस दिन मान लो कि ये बूढ़े हो गए, घर पे बैठ गए, तो ये घर से बैठ के करेंगे टाटा बाय बाय और नमस्कार, घर से ही ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, है ना। ये घर से करेंगे, तो इनकी बॉडी फिट रहेगी, ये अपने को ज्यादा से ज्यादा
मतलब मोटिवेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों तक अपनी अप्रोच कर सके, तो इनका खुद का भी फिट रहना जरूरी है और आप लोग जितना सुनोगे जितना खाओगे भी आपको भी फिट रहना जरूरी है। फिट रहना तो आपका मूलभूत अधिकार है ये फिट रहने के लिए। तो सारा जो आप भाग दौड़ करते हो, पैसा कमाते हो, ये सब इस बॉडी के लिए है ना, क्योंकि धीरे धीरे अब बीमारियां जैसे बढ़ रही है तो आने वाला समय 10 सालों बाद में 15 साल बाद में बहुत विकट आने वाला है हेल्थ सेक्टर के हिसाब से। उसको लेके सभी लोग चिंतित है क्योंकि अब झूठ पाखंड मक्कारी और मिलावटखोरी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो इन सब